अमेरिकन मैथमेटिकल एसोसिएशन की मैगजीन में पढ़कर आश्चर्य हुआ कि समय व विभिन्न संस्कृतियों ने जिस प्रमेय को भिन्न भिन्न नामों से प्रतिपादित किया, उस प्रमेय को लगभग 100 ईसा पूर्व खगोल विज्ञान और गणित पर एक चीनी किताब में चीनियों द्वारा गोगू प्रमेय के रूप में वर्णित किया गया है। अल्तुसी के यूक्लिड के तत्व 13वीं सदी में इसकी व्याख्या की गई है। 14वीं सदी की शुरुआत में फ्लेमिश यूक्लिड में तथा कादी ज़ादा मूसा इबन मोहम्मद की टिप्पणी में इसका वर्णन है। भास्कर की लीलावती में तथा क्रॉकेट जॉनसन की गणितीय पेंटिंग में भी व्याख्या की गई है। आज हमें जो प्रमेय पाइथागोरस के नाम से पढ़ाई जाती है, उसे एक भारतीय गणितज्ञ द्वारा हजारों वर्ष पहले प्रतिपादित किया जा चुका था। जानते वह गणितज्ञ कौन था? शुल्ब सूत्र के अनुसार वह जीनियस था बौद्ध गणितज्ञ बोधान। समय और दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों ने बोधान की प्रमेय को भिन्न भिन्न नामों से प्रतिपादित किया है। जिस प्रमेय को हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं, वह वास्तव में बोधान प्रमेय है। इतना ही नहीं, पाई का मान भी सबसे पहले बोधान ने ही निकाला था।